कि मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स कि अभी जो है, अभी तो मार्केट मंदा है, तो अभी क्या है कि सब सही चल रहा है। ये जो है बिल दिखा रहा है कि डिलीवर हो चुका है, ये जो बिल दिखा रहा है आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, मतलब ये कल तक ये जो है माल पहुंच जाएगा। दिखाया कि बिलिंग हो चुका है, डिस्पैच हो चुका है, बस आउट फॉर डिलीवरी होगा, उसके नेक्स्ट डे आपके पास जो है माल वो आ जाएगा। मैं ही काम करता था, अभी क्या हो चुका है कि बिहटा के 1-2-3 किलोमीटर के अंदर में एक दो काउंटर और खोल चुके हैं। आधे महीने सिर्फ स्टॉक करने का काम करिए। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश कुमार में, लेकर आ गए हम फिर से एक नई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों को पता है, जैसा आप लोग भी जान रहे होंगे, देख रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे कि जो मार्केट है वो बहुत ही डाउन हो चुका है। इतना ज्यादा मार्केट आज से पहले कभी नहीं गिरा था फ्रेंड्स, जितना भी मार्केट गिरा हुआ है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो हम लोग का सेल है डेली का, वो बहुत ही कम हो गया है। 50% किसी का सेल गिरा हुआ है, किसी का उससे भी ज्यादा गिरा हुआ है। तो किसी किसी दिन ऐसा हो रहा है कि किसी दिन बोनी पे आफत हो जा रहा है। अब जैसे कि मैं अपने ही ले लूँ तो अब मेरा किसी दिन 5,000, किसी दिन 10,000 या किसी दिन 200-500 पे भी जो है सेल रह जा रहा है, जो कि मेरा ऐसा सेल कभी नहीं रहता था। सो फिर आज लोग हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, प्लस कि अभी मंदी है तो अभी हम लोग क्या क्या करें ताकि हम लोग आगे आने वाली तेजी के लिए प्रिपेयर हो सके, जब मार्केट उठे तो हम लोग को कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग को अभी क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए। और फ्रेंड्स, हम लोग जब मार्केट उठता है तो क्या करते हैं, कंपटीशन में बहुत ही कम मार्जिन पे जो है माल बेच देते हैं, जिसके कारण जब मार्केट उठता है तो हम लोग को प्रॉफिट तो हो नहीं पाता है। तो प्रॉफिट नहीं हो पाता था हम लोग के लिए, आगे जब मार्केट बैठता है तो उसके लिए हम लोग पास रिजर्व जो है कैश वो रहता नहीं है, जिसके कारण हमें जब मार्केट बैठता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि रेंट वेंट देने में या जो है कंपनी को पेमेंट करने में, ये सब बहुत दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ किसी भी बिजनेस में जो है अपना मार्जिन कैसे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है कैसे कमाएं जब मार्केट तेजी में हो तब। और हम लोग फ्रेंड्स ये पेंट के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं कि जो पेंट का जो स्कीम है, ये बहुत सारे लोग को जो है स्कीम समझ में नहीं आता है, या फिर मेरा एशियन पेंट में या किसी भी पेंट कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम लोग ये सब कैसे कैलकुलेट करें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी जब एशियन पेंट का डीलरशिप लिया था या किसी भी पेंट का डीलरशिप आप जब लीजिएगा तो क्या होता है कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मेरा इस पेंट में मेरा डेली सेल तो जा रहा है लेकिन इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये सब कैलकुलेट करना बताऊंगा कि आप ये सब कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारा सीएन है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी कितने लोगों को नहीं पता चलता है कि कितना मेरा सीएन आ रहा है, कितना मेरा सीएन नहीं आ रहा है, किस प्रोडक्ट का मेरा सीएन आया, किस प्रोडक्ट का जो सीएन है वो नहीं आया। तो आज हम लोग इस सारे भी टॉपिक पे जो है चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा फिर हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम लोग अपने पेंट के टॉपिक को उठा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पेंट तो बेच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है या कितना जो हमारा सीएन आ रहा है। इसमें ये कहावत बहुत ही सटीक बैठता है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। एशियन पेंट जो है बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो लोग बोलने के लिए तो बोलते हैं कि हम कंपनी से काम करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कंपनी से काम करने में ज्यादा फायदा होता है या डीलर से काम करने में ज्यादा फायदा होता है, ये तो आपको जब काम करिए तभी पता चलेगा। सिर्फ नाम के लिए आप काम कर रहे हैं कि हम कंपनी से काम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि छोटे डीलर का कोई बस ही नहीं चल पाएगा किसी भी पेंट कंपनी, किसी भी पेंट का वो डीलरशिप लेगा तो। क्योंकि पेंट में क्या होता है फ्रेंड्स कि जितना ज्यादा आप माल उठाइएगा उतना ही कम आपको रेट लगाया जाएगा। हर जो दुकानदार है वो सबका सेम रेट नहीं होता है, जो जितना ज्यादा क्वांटिटी में उठाता है उसका जो रेट है उतना ही कम रहता है। तो ऐसे क्या करते हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, जितना में छोटे दुकानदार खरीदता है उतना में बड़े दुकानदार जो है क्या करता है, बेच देता है, जिसके कारण छोटा दुकानदार का कुछ हक बक ही नहीं चल पाता है पेंट में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप कंपनी से काम कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस का ये सब जो बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ सब जरूर नोटिस करिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो पेंट में है फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है घर से। देखिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे मार्केट मंदा है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स कि अभी जो है, अभी तो मार्केट मंदा है तो अभी क्या है कि सब सही चल रहा है। ये जो देखिए, ये जो मेरा बिल है इसमें आपको दिखाएगा, ये जो है बिल दिखा रहा है कि डिलीवर हो चुका है, ये जो बिल दिखा रहा है आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, मतलब ये कल तक ये जो है माल पहुंच जाएगा। ये मैं आज ही ऑर्डर लगाया हूँ इसका जो है, इसमें आप अगर ट्रैक करते हैं इसको तो इसका दिखाएगा कि बिलिंग हो चुका है, डिस्पैच हो चुका है, बस आउट फॉर डिलीवरी होगा, उसके नेक्स्ट डे आपके पास जो है माल वो आ जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी तो सब सही चलता है, जैसे ही मार्केट उठेगा फ्रेंड्स और जब ज़्यादा ये ट्रैफिक आएगा, जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगा आपके दुकान पर और जल्दी जल्दी ज़्यादा ऑर्डर लगाइएगा, और आप तो कस्टमर संभाल रहे हैं, अगर आपके पास ये नोटिस नहीं कर रहे हैं और लिख नहीं रहे हैं कहीं पे, तो क्या होगा कि जो भी आप ऑर्डर लगाते हैं, एक दिन मान लीजिए 4-5 ऑर्डर लगा दिए आप, तो उसमें क्या होगा कि एक आप जो ऑर्डर है वो आएगा नहीं आपके पास, लेकिन इसमें डिलीवर दिखा देगा। तो जल्दी जल्दी में सिर्फ कस्टमर देख रहे हैं तो ये तो देखते नहीं है आप कि मेरा ऐप में कौन सा माल डिलीवर आ रहा है, हो रहा है, कौन सा माल डिलीवर नहीं हो रहा है।
तो आप क्या करते हैं कि 5-6 ऑर्डर जो एक दिन लगाते हैं तो एक आध ऑर्डर जो नहीं भी आता है तो आपके उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, आप फिर से ऑर्डर लगा दीजिएगा। आप सोचिएगा कि हो सकता है उसका बिलिंग नहीं हो पाया होगा या उसका ऑर्डर नहीं लगा पाया होगा, ध्यान से उतर जाता है ये सब बात। और लेकिन वो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें पेंट कंपनी की कोई गलती नहीं है, जो डिलीवरी बॉय होता है, जो भी डिलीवर करता है माल को, वो क्या करता है कि आपका जो माल है, जो आपके आपके अकाउंट में जिसका पैसा चढ़ गया है, चढ़ चुका है, और जिसका आपका डिलीवर दिखा दिया है, वो माल कहीं और उतर गया है, कोई और पार्टी वो माल को ले लिया है, जो डिलीवरी बॉय होता है मिला हुआ रहता है, कंपनी का ढेर आदमी उसमें मिला हुआ रहता है, कहीं और भी आपका माल उतर जाएगा, और लेकिन आपका जो उसका जो पैसा है वो आपके अकाउंट पे यहाँ पे चढ़ जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि आप तो नोटिस कर नहीं रहे हैं और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो माल मेरे पास आया है कि नहीं आया है। प्रूफ तो छोड़िए फ्रेंड्स, प्रूफ तो बाद की बात है, आप पहले तो नोटिस उस बात को करिएगा तब ना कि मेरे पास ये माल आया है ये माल नहीं आया है। क्योंकि जब तेजी रहता है तो डेली के 5-6 ऑर्डर आदमी जो होता है लगा देता है कि आज ये माल घट गया, आज ये माल घट गया, आज ये माल ज़्यादा बिक गया तो ये माल घट गया, तो क्या होता है डेली के 4-5 ऑर्डर लगा देता है। उसमें क्या होता है कि एक आध ऑर्डर नहीं भी आ रहा है तो किसको क्या पता चलना है। तो अगर आप लिखते हैं तभी आपको ये बात पता चलेगी कि मेरे पास कौन सा ऑर्डर आया है कौन सा ऑर्डर नहीं आया है। तो फ्रेंड्स आप भी अपना एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप ये जब भी आप ऑर्डर लगाते हैं तो ये बिल नंबर लिख लीजिए, अगर बिल नहीं हुआ हो तो उसके पहले जो है ऑर्डर नंबर मिलता है ऑर्डर नंबर लिख लीजिए, जो बिल डिलीवर हो गया डिलीवर कर दीजिए वहाँ पर डी लिख दीजिए, और किस डेट में ऑर्डर लगाए हैं, किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी लिखिए, जिससे आपको क्या होगा कि मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको ये 45 दिन का टाइम जो है वो मिलता है एशियन पेंट में पेमेंट करने के लिए, और आपका क्रेडिट खराब है तो आपको 21 दिन का मिलेगा। जैसे कि मेरा क्रेडिट खराब है एशियन पेंट में तो मेरे को सिर्फ 21 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। मान लीजिए किसी महीने में 4 बिल मंगाया तो 4 बिल का मेरा अमाउंट मिलाकर हो गया 1,68,000 या 2.5 लाख या 3 लाख जो भी हो गया, तो मैं तो 21 दिन में पेमेंट कर दूंगा। तो 21 दिन जब भी मैं पेमेंट करूंगा तो फिर जो है वो मैं जो मेरा बिल आया जिस जिस डेट में और जितना मैं पेमेंट किया जिस जिस डेट में तो उतना मैं मिला कर देखूंगा कि मैं इतना 1,68,000 मेरा बिल आया है और 1,68,000 हम पेमेंट कर देते हैं, फिर मैं उसको एक बार ऐसे क्रॉस कर दूंगा डायरी पे। जिससे क्या होता है कभी भी कोई भी जो है डिलीवरी बॉय आपके माल को कहीं और उतार के अपना वो काम नहीं कर लेगा, वो आपके साथ हमेशा ये आप प्रूफ भी रहेगा कि मेरे पास कौन माल आया है कौन माल नहीं है, कौन माल ऑर्डर लगाया हुआ है कौन माल आने वाला है, जिससे आपको पूरा हिसाब रहेगा। जिससे आपका कोई भी एक आध बिल नहीं आता है तो उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी है कि मैं सारा लिखा हुआ हूँ और आपके पास सारा रिकॉर्ड है। तो जब आप खोजवाइएगा कंपनी में तो आपको कंपनी वालों को पता चल जाता है, उसके बाद आपका जो पैसा है वो रिड्यूस हो जाएगा और जो कंपनी को एक्शन लेना है डिलीवरी बॉय पे वो अपने कंपनी समझे और डिलीवरी बॉय समझे कि वो दोनों का क्या मैटर था। तो इससे आपको क्या होगा कि इससे आपको माल भी नहीं गड़बड़ाएगा और कितना आपका माल आया और कितना आप पेमेंट किए ये भी पता चल जाएगा, और उसके बाद जो है कितना आपका CN बना, क्योंकि आप जब पेमेंट करिएगा तो जो CN है वो तो आप CN अपने आप माइनस हो जाता है कि जितना आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा उसमें। जैसे कि मान लीजिए 1,68,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है, इसमें मेरा 8,000 का मान लीजिए CN आ जाता है तो 8,000 तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे को तो सिर्फ 1,60,000 पेमेंट करना रहेगा इसमें। तो 1,60,000 हम पेमेंट करेंगे तो मेरे को तो पता चलेगा ना कि 1,68,000 का मेरा माल आया था जिसमें मैं 1,60,000 पेमेंट किया हूँ, तो जो मेरा 8,000 है वो CN आया है, मतलब कंपनी की तरफ से वो मेरे को क्रेडिट नोट आया जिससे मेरा 8,000 वो समझिए तो प्रॉफिट ही है। बाकी मैं जो बेच रहा हूँ 2-2.5% जो मेरे को ऐसे मिल रहा है वो तो प्रॉफिट आ ही रहा है, बाकी कंपनी की तरफ से भी मेरे को 8,000 जो है प्रॉफिट आ चुका है। और फिर अगर मैं बात कर लूँ स्कीम की तो स्कीम फ्रेंड्स स्कीम दो तरीके के होते हैं, एक होता है ब्रांच स्कीम जिसका आपको मंथ में एक बार जो होता है वो ब्रांच स्कीम आता है, और एक होता है PR स्कीम जो कभी भी स्कीम निकल सकता है किसी भी डेट में, मतलब कि आज मान लीजिए 13 तारीख है या 12 तारीख है जो भी है तो आज की डेट में भी निकल जाएगा PR स्कीम, वो एक्स्ट्रा बोनस होता है PR स्कीम। और जो एक ब्रांच स्कीम रहता है वो पूरे मंथ के लिए रहता है ब्रांच स्कीम। तो फ्रेंड्स स्कीम दो तरीके के होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी मेरे को आज तक स्कीम समझ में नहीं आया क्योंकि डेली 10 तरीके के स्कीम भेजते हैं। मैं तो स्कीम वाले ग्रुप में हूँ लेकिन मैं स्कीम खोल कर देखना तक बंद कर दिया हूँ क्योंकि मेरे को भी स्कीम समझ में नहीं आता कि क्या क्या स्कीम होता है। आप पूछने जाइए आपको 10 तरीके का बात बताएगा, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं सिंपल क्या करता हूँ और आप भी क्या करें कि अगर आपको स्कीम कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप माई आवाज़ में आप कॉल करें, एक दबा कर ऑर्डर लगाएं अपना। अगर उसमें आपको कोई स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे या कुछ घट रहा होगा तो माई आवाज़ वाले खुद आपको बताएंगे कि सर आपका ये स्कीम में आपका इतना क्वांटिटी घट रहा है तो आप उतना क्वांटिटी बढ़ा दें या फिर इतना जितना क्वांटिटी घटाने के लिए उतना क्वांटिटी घटा दें। तो इससे क्या होगा आपको स्कीम पता चल जाएगा। जब भी आप ऑर्डर लगाएं फ्रेंड्स या तो अपने TSO से बात कर लीजिए, लेकिन TSO को बिल्कुल ऑर्डर मत दीजिएगा, जितना आप ऑर्डर दीजिएगा TSO को उससे वो बढ़वा कर ही जो है माल भिजवा देगा आपको, कहेंगे सर ये स्कीम पूरा हो जाएगा आपका इतना लीटर इसलिए माल का हम बिल्डिंग करवा दिए। लेकिन होता क्या है कि आपका उतना CN जो है वो आता नहीं है, मेरा जो ये CN है 21
प्रोडक्ट का सीएन आया है, किस प्रोडक्ट का सीएन नहीं आया है, इस पर मैं कितनी बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन कंपनी भी कोई एक्शन नहीं लेती है। और एशियन पेंट वाले के वैसे भी दिन बहुत ही खराब चल रहे हैं। मतलब मैं देखूं, मैं अभी 6 से 8 महीने हो गए मेरे को डीलर बने हुए, उस दौरान 3 से 4 TSO जो है बदले हो चुके हैं। अभी जो फिलहाल करेंट CEO है उसको कुछ पता ही नहीं है, वो बताता है कि मैं 16 तारीख से ज्वाइन करूंगा सर। अभी 15 दिन से मेरे एरिया के फ्रेंड्स कोई TSO नहीं है, मतलब कोई TSO नहीं बोले तो कोई TSO ज्वाइन नहीं किया है। 16 तारीख से TSO ज्वाइन करने वाला है, उसके बाद जो होगा TSO से बात किया जाएगा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। बाकी फ्रेंड्स इसका तो दिन बहुत ही खराब चल रहा है एशियन पेंट का, हर महीने 1-8 काउंटर खोलते रहे हैं आसपास, जिससे मार्जिन भी बहुत गिर चुका है इसका। मैं तो बहुत ही उबिया चुका हूँ इसका पेंट का डीलरशिप लेके, मैं एक और कंपनी का डीलरशिप बहुत ही जल्द लेने वाला हूँ। मैं अभी कंपनी सोच रहा हूँ कौन सी कंपनी का डीलरशिप लूँ, जैसे ही मैं ये कन्फर्म हो जाता हूँ कि इस कंपनी का डीलरशिप लेने में प्रॉफिट है तो मैं तुरंत से उस कंपनी का ही मशीन बैठा लूँगा। और इस कंपनी का मशीन बैठाने से मेरे को अभी तक कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, इससे तो मेरे को लगता है रेंट भी निकलना मुश्किल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात कर लेता हूँ कि अभी तो मार्केट मंदा है, तो मंदा मार्केट में हम लोग क्या क्या करें ताकि हम आने वाले जब भी तेजी मार्केट आए तो उसमें हम जो है अपना मार्जिन जो है अच्छे से कमा सके। सो फ्रेंड्स अभी आप क्या करिए कि अभी आप अपने दुकान का स्टॉक देख लीजिए, मेरे दुकान में क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या स्टॉक नहीं है। जैसे कि कुछ दिन बाद मार्केट जो है उठने वाला है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि स्टॉक कौन कौन सा स्टॉक है मेरे पास, कौन कौन सा स्टॉक नहीं है, ताकि जब मार्केट तेजी हो तो कोई कस्टमर जो है लौट के मेरे दुकान से नहीं जा पाए। क्योंकि अभी ये मत सोचते कि मार्केट मंदा है क्या करे क्या नहीं करे, ये सोचिए कि जब मार्केट तेजी होगा तो कौन सा स्टॉक ज्यादा बिकेगा। जैसे दीपावली का सीजन है तो पेंट ज्यादा बिकेगा, मैं प्लम्बिंग पे थोड़ा कम फोकस कर रहा हूँ, पेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि दिवाली में जो है पेंट का सेल ही बढ़ने वाला है, प्लम्बिंग का तो थोड़ा घट भी जाए। और मैं जो फ्रेंड्स देख सकते कि मेरे पास जो है स्टॉक पूरा खाली हो चुका है पेंट का, जिसके कारण मैं अभी कुछ दिनों से रेगुलर जो है इस पे स्टॉक देख देख कर मिलाकर जो है अपना पेंट का ऑर्डर डेली लगा रहा हूँ। और जो है मेरे से अभी कई दुकानदार भी जो है पेंट यहाँ से ले जा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं मेरे से, क्योंकि उनको भी पता है कि दिवाली आ रहा है तो पेंट का मार्केट बढ़ेगा तो इसमें मार्जिन अच्छा आने वाला है। और फिर अगर मैं बात कर लूँ नल की, तो नल का मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा चुका हूँ, और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के मैं उसी के नाम से, मैं जिसमें मेरा एक अपना नाम रजिस्टर हो गया कोई फलाना कंपनी, तो मैं उसी के नाम से कंपनी में डायरेक्ट बोलता हूँ कि मेरे को उसी के नाम से आप नल दीजिए, तो उसी के नाम से मेरे पास नल आता है, या कोई भी प्रोडक्ट जो है उसी के नाम से मैं मंगवाता हूँ, ताकि मेरे आसपास जो कंपटीशन है वो एकदम कम हो जाता है, कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि उस नाम से तो सिर्फ मेरे पास ही है माल, और कहीं भी जाएगा कोई कस्टमर तो उसको मिलेगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास जो माल है सिर्फ मैं क्वालिटी देखता हूँ, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आप कम दाम वाला सस्ता सामान भी बेच दीजिए, क्योंकि वो दूसरे काउंटर से बिकना है, और ये दुकानदार भी है सामने वाला, वो भी सस्ता खोजता है। इसलिए आप जो है अगर आपको हल्का सामान है तो आप होलसेल करने के लिए यूज करिए, अगर लेकिन आपको रिटेल करना है तो रिटेल के लिए आपको क्वालिटी बढ़िया रखना ही होगा। तो और खास करके जब भी आप अपना ब्रांड या अपना कोई नाम से अगर मंगवा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्वालिटी मेंटेन रखना ही होगा। तो फ्रेंड क्या करिए कि आप अपना अपने नाम से जो है कहीं भी किसी फैक्ट्री से बोलिएगा, तो क्या करेगा कि रेजर से सिर्फ प्रिंट करना रहता है, वो आपका जो नाम बोलेगा उस नाम से प्रिंट करके आपको माल भेज देगा। और उसके बाद क्या करिए आप उसको कि मार्केट में आराम से, क्योंकि वो कोई किसी के पास तो है नहीं, तो उसमें आप अच्छा मार्जिन कमा के मार्केट में आराम से बेचते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आपको मार्जिन भी अच्छा आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप ऐसा करके मार्जिन जो है अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी हो गया, जैसे कि मैं पहले इनोला हो गया या हिंदवेयर हो गया, ये सब जब मैं काम करता था तो सिर्फ मैं ही काम करता था। अभी क्या हो चुका है कि बिहटा के 1-2-3 किलोमीटर के अंदर में एक दो काउंटर और खोल चुके हैं, जिससे क्या होता है कि कंपटीशन आ जाती है, जिसके कारण जो है मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पे हम मेरा 40% आता है, तो अब क्या होता है कि 38% डिस्काउंट देने पड़ता है कस्टमर को, या 35% देने पड़ता है। पहले क्या होता था कि 20% डिस्काउंट देता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 35-38 इस तरीके से डिस्काउंट देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कंपटीशन जब बढ़ता है मार्केट में तो उससे क्या होता है मार्जिन कम जाता है, और जाहिर सी बात है कि दिन पे दिन तो कंपटीशन बढ़ना ही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग को मार्जिन कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप जो मैं आपको बताया उस तरीके से आप चाहिएगा तो मार्जिन निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्जिन आपको और आप फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा निकालना है तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स अभी तो अभी जो है कुछ दिनों से मार्केट बैठा हुआ है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा के बाद से जो है मार्केट उठना स्टार्ट हो जाएगा, और अभी भी जो है मार्केट जो है धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे जो है मार्केट अभी पहले के मुताबिक अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब उठना स्टार्ट हो चुका है।
तो अभी से क्या करिए फ्रेंड्स कि अभी आप अपना स्टॉक देख देख कर स्टॉक पूरा मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि अभी जो रेट है वो भी गिरा हुआ है, सब चीज का रेट गिरा हुआ है। पाइप का अगर हम लोग बात करें, पाइप का रेट गिरा हुआ है, नल का रेट गिरा हुआ है। तो अभी क्या करिए कि अभी आप लोग स्टॉक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट टूटेगा तो प्राइस भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो अभी आप जो जो स्टॉक नहीं हुए वो स्टॉक कर लीजिए, ताकि जब भी मार्केट उठे तो आप अच्छा मार्जिन कमा सकें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ से जो है मार्केट एकदम मार्केट में तो तेजी आ ही जाएगी, जहां तक उम्मीद है लोगों की, नेक्स्ट मंथ से मार्केट में तेजी आ जाएगी। या फिर विश्वकर्मा पूजा के बाद से ही जो पेंट वाला लाइन है, पेंट वाला लाइन में तो विश्वकर्मा पूजा बाद से हमको लगता है कि तेजी आ जानी चाहिए। और जो बाकी सब लाइन है उसमें इस मंथ के बाद जो है उसमें तेजी आ जाएगी, क्योंकि जो फ्रेंड्स हम लोग का लाइन है वो कंस्ट्रक्शन का लाइन है, और कंस्ट्रक्शन के जो लाइन में है भादो अभी चल रहा है, भादो महीना जो चल रहा है, भादो महीना में जो है कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही रुक जाता है, क्योंकि बरसात में थोड़ा बरसात का कारण रुक जाता है, और भादो में भदवारी हम लोग बोलते हैं, तो भदवारी काम जो है काम वो रुक जाता है। इसमें क्या करिए फ्रेंड्स, भादो महीने में सिर्फ आप स्टॉक करने का काम करिए, क्योंकि आप इस महीने में स्टॉक कर लेते हैं तो जब मार्केट उठेगा तो आप वो प्रोडक्ट को बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको स्कीम समझ में आता है, या फिर जो बिलिंग होता है वो समझ में आता है, या फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये समझ में आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको धन्यवाद कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।